रामनगरी अयोध्या का कायाकल्प करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए कनाडा की LEA एसोसिएट्स को कंसल्टेंसी एजेंसी बनाया गया है। ये कंपनी अयोध्या का पूर्ण विकास, नगर नियोजन, पर्यटन सिटी एरिया प्लानिंग बनाएगी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। मंगलवार को ही कैबिनेट में पंचायत चुनाव में आरक्षण नियमावली के पास होने के साथ ही अब पंचायतों में चक्रानुक्रम आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। बिहार में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मंगलवार को नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली NDA सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। बीजेपी ने पहले मध्य प्रदेश के बाद अब बिहार के जरिए ये साफ संकेत दिया है कि उसकी मंशा राज्यों में पुराने चेहरों की जगह नए नेतृत्व को आगे लाने की है। यूपी के कासगंज में पुलिस के सिपाही की हत्या और दरोगा को बुरी तरह घायल कर देने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। मुख्य आरोपी मोती धीमर का भाई एलकार बुधवार सुबह एक मुठभेड़ में मारा गया। दिल्ली वालों को दम घोटने वाले प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए दिल्ली में प्रदूषण के रियल टाइम सोर्स को मैनेज करने की तैयारी दिल्ली सरकार कर रही है। दिल्ली सरकार किसी जगह पर वास्तविक समय में प्रदूषण के स्रोत का पता लगाने के लिए IIT कानपुर, IIT दिल्ली और TERI के साथ मिलकर काम करेगी। मुंबई में लोकल ट्रेनों की शुरुआत के बाद एक बार फिर लोग जानलेवा स्टंट करते दिखे। रेलवे ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती और कार्रवाई करने के लिए विशेष टीम बनाई है। आंध्र प्रदेश में 2723 पंचायतों के लिए पहले चरण के चुनाव में 81.42% मतदान हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग ने ये जानकारी दी। हालांकि AC ने मतदान के लिए पात्र कुल मतदाताओं की संख्या नहीं बताई। अब तक करीब 60 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इस बीच अब कोरोना के मोर्चे पर राहत मिलने वाली खबर आई है। सरकार ने बताया है कि पिछले 3 हफ्ते में 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में COVID-19 से मौत का कोई नया मामला नहीं आया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक है। इस चुनाव में कांग्रेस ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ही गठबंधन किया है, लेकिन अब गठबंधन के इन दोनों दलों के लिए चुनौती बढ़ सकती है। विपक्षी दल लगातार बीजेपी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। उधर कांग्रेस भी सरकार पर निशाना साधने से नहीं चूक रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार किसानों के समर्थन में अपनी आवाज मुखर कर रही हैं। प्रियंका प्रदेश भर में जय जवान जय किसान अभियान की शुरुआत करने जा रही हैं। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि केंद्र सरकार ने सिंघू और गाजीपुर को इंटरनेशनल बॉर्डर जैसा बना दिया है। ओवैसी ने कहा कि जो स्ट्रक्चर और सुरक्षा बॉर्डर पर होनी चाहिए वो स्ट्रक्चर हमने सिंघू बॉर्डर पर बना दिया है। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से हुई त्रासदी से सुरंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए अब ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हादसे में अब तक 32 शव बरामद हो चुके हैं। RTBP, NDRF, SDRF और अन्य एजेंसियां पिछले 3 दिनों से टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। बिहार में उद्योग प्रसार के बारे में शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अगर हम यहीं पर संसाधन दें तो बांग्लादेश जो टेक्सटाइल का हब बन गया वो यहां भी बन सकता है। बिहारी के अंदर क्षमता है, बिहारी चांद पर जाकर वहां भी संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं। छब्बीस जनवरी को लाल किले में हुई हिंसा के मामले में 15 दिन बाद गिरफ्तार पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू को कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। सिद्धू को गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में पेश किया। भारत सरकार की चेतावनी के जवाब में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने आज बताया कि उसने नियमों का उल्लंघन करने वाले अकाउंट हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। भारत सरकार ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को 1178 अकाउंट को बंद करने के लिए कहा था।
कोविड 19 का शिकार होना कोरोना वायरस की नई किस्मों से दोबारा संक्रमित होने के खिलाफ सुरक्षा नहीं दे सकता। नए रिसर्च में बताया गया है कि कमजोर इम्यून सिस्टम होने के साथ कोरोना वायरस की पुरानी किस्मों से दूसरी बार भी संक्रमित होने की आशंका है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के मामले में एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। इकबाल सिंह को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगलवार रात पंजाब के होशियारपुर से गिरफ्तार किया। बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने मंगलवार को जोधपुर कोर्ट से माफी मांगी। कल जोधपुर सेशंस कोर्ट में 1998 में हुए दो काले हिरण के शिकार मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान 2003 में झूठा हलफनामा जमा करने को लेकर सलमान ने माफी मांगी। नागिन फेम अनीता हसनंदानी और उनके पति रोहित रेड्डी ने 9 फरवरी को ही अपने बच्चे का स्वागत किया है। कपल के घर में बेटे ने जन्म लिया है। रेड्डी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी। इंग्लैंड के हाथों पहले टेस्ट में भारत की 227 रनों से हार के बाद दोनों पारियों में नाकाम रहे बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे की आलोचना हो रही है। कप्तान विराट कोहली ने हालांकि रहाणे का बचाव करते हुए कहा कि अगर आप कुछ उगलवाना चाहते हैं तो ये हो नहीं सकेगा।